अच्छा ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिया ट्रैफिक सिग्नल की जनरल स्टडी कर ली थी। ठीक है, ये जनरल हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। एम्बर टाइम डिजाइन करना सीख लिया था। दो फॉर्मूले बताए थे, अगर एसएसडी जोन के अंदर आ गया वो व्हीकल तो आपको दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, लेंथ निकालने का और टाइम निकालने का। अगर ऐसे ही अगर एसएसडी जोन से बाहर हो व्हीकल तो उसके लिए टाइम निकालने का फॉर्मूला ये था। ठीक है, इसके इस पर क्वेश्चन भी कर लिया था हमने एक, जो ड्राइवर क्लेम करता है, ड्राइवर ने क्लेम किया था जो सही था, क्वेश्चन सोल्व किया था पिछले लेक्चर, देखो आप एक बार। ठीक है, उसके बाद में फेज इन सिग्नल सिस्टम आता है। ये सिंपल है, देखो ये रोड दिखा रखा है, रोड पर कैसे कैसे व्हीकल ट्रैवल करते हैं ये दिखा रखा है। ठीक है, आप इनको देख लेना, सिंपल है ये, इस क्वेश्चन आते नहीं है कैस, लेकिन आप देख लेना एक बार। ऐसे ही सेकंड फेज दे रखा है, उसमें भी ऐसे ही है, अगर वन वे टू लेन और वन वे रोड हो तो इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यार एक फॉर्मूला है लॉस्ट टाइम निकालने का। लॉस्ट टाइम क्या होता है कि कोई भी रेड लाइट सिग्नल हो जाती है, मतलब मान लो किसी भी सिग्नल पर रेड लाइट हो गई तो रेड लाइट से वापस ग्रीन होगी तो कुछ टाइम ख़राब होता है। ठीक है, जैसे ग्रीन से रेड लाइट हुई तो कुछ व्हीकल को स्टार्ट करने में अगला व्हीकल जल्दी से निकल जाएगा, उसके पीछे वाला थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा, उसके पीछे वाला और टाइम लेगा, उससे पीछे वाला और टाइम लेगा, तो ये जो टाइम कंज्यूम होता है दैट इज़ नोन एज स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्या होता है, ये होता है सम ऑफ स्टार्टअप, सॉरी लास्ट टाइम क्या होता है, लास्ट टाइम इज इक्वल्स टू स्टार्टअप लास्ट लॉस्ट टाइम TSL प्लस क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं दोनों क्या क्या होता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्या होता है, ये कोई भी रोड दे रखा है, यहाँ व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है इस साइड, यहाँ पर रेड लाइट हो गई तो व्हीकल वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पर रेड लाइट हो गई तो वेलोसिटी बराबर जीरो हो गई। ठीक है, यहाँ पर व्हीकल्स इकट्ठे हो गए तो जब रेड लाइट से वापस ग्रीन लाइट होगी तो ये पहला व्हीकल यहाँ से जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, पहला व्हीकल जल्दी से निकल जाएगा, दूसरा व्हीकल जो निकलेगा वो थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लेगा, तीसरा व्हीकल थोड़ा और ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, उस हिसाब से ये ग्राफ बना रखा है नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड टाइम हेडवे के बीच में। तो पहला व्हीकल जल्दी से निकल जाएगा तो इसका टाइम हेडवे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरा व्हीकल थोड़ा कम दूसरा व्हीकल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा तो इसका टाइम हेडवे थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, उससे ऐसे करते 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 व्हीकल्स एक टाइम पर सभी व्हीकल्स का मूवमेंट टाइम हेडवे बराबर हो जाएगा पीछे जाते 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 जाते। ठीक है, तो जो ये टाइम कंज्यूम हो रहा है ये टाइम कंज्यूम हो रहा है दैट इज नोन एज स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। आपने देखा होगा ना, पहला व्हीकल अगर सिग्नल पहला व्हीकल जल्दी से निकल जाता है उसके पीछे वाला थोड़ा टाइम लेता है, उसके पीछे वाला और ज़्यादा टाइम लेता है, तो उस वो होता है क्लियरेंस टाइम, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। ठीक है, स्टार्टअप मतलब स्टार्ट में जो टाइम लॉस होता है वो कैसे निकालेंगे, जो पहला व्हीकल का थोड़ा टाइम प्लस दूसरे व्हीकल का प्लस तीसरे व्हीकल का, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो एच क्या है, यहाँ ये एच क्या है, दैट इज एच इज स्टार्ट सेचुरेशन टाइम हेडवे, और एस क्या है सेचुरेशन फ्लो, ये मैंने पहले बता दिया था 3600 बटा एच व्हीकल पर आवर। ऐसे क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्या होता है, देखो ऐसे ही बता देता हूँ, क्लियरेंस लॉस्ट टाइम क्या होता है, जैसे ग्रीन लाइट से ग्रीन लाइट और रेड लाइट होने के बीच में एम्बर टाइम आता है, येलो लाइट होती है बीच में, तो वो येलो लाइट को ड्राइवर ढंग से मैनेज नहीं कर पाता, तो कभी कभी क्या है कि येलो लाइट होते ही व्हीकल रोक लेता है जबकि वो उस रोड को क्रॉस कर सकता था, तो ये जो पहले व्हीकल रोक लिया उस येलो लाइट की वजह से, तो वो क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। देखो टाइम ड्यूरिंग चेंज इज नॉट यूटिलाइज, जब जो चेंज होता है ग्रीन से रेड होने के बीच में जो एम्बर टाइम होता है उसको ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा लॉस होता है टाइम का, दैट इज नॉन एज क्लियरेंस लॉस्ट टाइम। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा तो अभी ठीक समझ आ जाएगा, फेज डायग्राम बताऊँगा तो उससे और असर समझ आ जाएगा क्या है क्लियरेंस लॉस्ट टाइम और स्टार्टअप लॉस्ट टाइम। एक आता है इफेक्टिव ग्रीन टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है कि टोटल ग्रीन टाइम माइनस जो टाइम लॉस हो गया वो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ग्रीन टाइम तो आप जानते हो क्या होता है, ग्रीन टाइम होता है ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम टोटल ग्रीन टाइम होता है, लेकिन इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है कि इस टोटल ग्रीन टाइम के अंदर से स्टार्टअप ये जो लास्ट टाइम है ये TSL प्लस TCL ये दोनों माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो ये इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक ग्रीन लाइट होती है, जब ग्रीन लाइट होगी तो उससे पहले कुछ टाइम लॉस होगा दैट इज नॉन एज TCL प्लस एम्बर टाइम के लास्ट में जो टाइम लॉस होगा वो TCL होता है। ठीक है, ये होता है स्टार्टअप लॉस टाइम और ये होता है क्लियरेंस लॉस टाइम। इस डायग्राम को ठीक से देखो आपके बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, बोल के इतना ही समझ सकता हूँ, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ओके, अब एक आता है कैपेसिटी ऑफ अ लेन, एक लेन की कैपेसिटी निकालने का ये फॉर्मूला है सेचुरेशन फ्लो
मल्टीप्लाइड बाई सेचुरेशन फ्लो मल्टीप्लाइड बाई ग्रीन रेशियो। सेचुरेशन फ्लो क्या है 3600 डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई जी आई अपॉन टी। यहाँ पर एच क्या है, जी आई क्या है, अभी ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा 44। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्या कह रहा है, साइकिल टाइम है 30 सेकेंड, मतलब टी क्या है 60 सेकेंड है, ग्रीन टाइम इज 27 जी आई, ग्रीन टाइम क्या है 27 सेकेंड, एम्बर टाइम इज 4, एम्बर टाइम मतलब ए, एम्बर टाइम इज 4, सेचुरेशन टाइम हेडवे इज 2.4 सेकेंड, मतलब एस 2.4 सेकेंड, स्टार्ट ऑफ लॉस्ट टाइम इज 2 सेकेंड, स्टार्ट ऑफ लॉस्ट टाइम क्या होता है टी एस एल। ठीक है, ठीक है, पर फेज का ये, ठीक है, पर फेज। एंड क्लियरेंस लॉस्ट टाइम टी सी एल कितना है 1 सेकेंड, तो फाइंड करो कैपेसिटी ऑफ लेन, सब कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, लेन की कैपेसिटी निकालनी है, टी आपको दे रखा है, जी दे रखा है, ए दे रखा है, एच दे रखा है, टी सी एल दे रखा है, टी एस एल दे रखा है। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ लेन निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला बता दिया 3600 डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई जी आई बाई टी। देखो 3600 दे रखा है, एच क्या है 2.7 प्लस वो मल्टीप्लाइड बाई जी आई इफेक्टिव ग्रीन टाइम, जी आई क्या है इफेक्टिव ग्रीन टाइम, वो क्या होता है जी प्लस एम्बर टाइम माइनस टी सी एल ब्रैकेट माइनस टी सी एल प्लस टी एस एल, उसके अंदर से क्लियरेंस लॉस्ट टाइम और स्टार्टअप लॉस्ट टाइम माइनस करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को माइनस कर दो उसमें से। देखो यही कर रखा है यहाँ पर, देखो ठीक से देखो, ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाई 60 दे रखा है आपको, जब इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, क्वेश्चन को आप एक बार देखो, जो क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे मैंने ये क्वेश्चन देख बोला तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आप पहले खुद से सोल्व करना करा करो। ठीक है, फिर उसके बाद में वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो, फिर भी अगर आपसे सोल्व नहीं हो फिर आप क्या करो कि सॉल्यूशन को देख लो, ठीक है, जो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसे करोगे तो फिर उससे आपके लिए थोड़ा अच्छा बेटर रहेगा। ओके, एक अगर अभी देखो, इस पहले जिस वाले क्वेश्चन में तो आपको ये जो साइकिल टाइम है वो दे दिया 60 सेकेंड, अगर आपको साइकिल टाइम नहीं दे तो क्या फॉर्मूला होता है साइकिल टाइम निकालने का, तो साइकिल टाइम निकालने का ये फॉर्मूला होता है स्टार्टअप टाइम, स्टार्टअप लॉस्ट टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, तो साइकिल टाइम कैसे निकालोगे, साइकिल टाइम निकालोगे एन मल्टीप्लाइड बाई टी सी एस एल, टी एस एल डिवाइडेड बाई वन माइनस समीशन ऑफ वी सी अपॉन एस। यहाँ पर देख लेते हैं एन क्या है, एन तो क्या है, एन नंबर ऑफ फेज है, टी सी एल स्टार्टअप लॉस्ट टाइम है आपको पता है, एस क्या है सेचुरेशन फ्लो है 3600/h, ये भी आपको पता है, ये कि वी सी नई चीज़ है, ये वी सी क्या है क्रिटिकल लेन वॉल्यूम, मतलब कोई भी लेन है उसका वॉल्यूम, जैसे एक में एक का वॉल्यूम है 350 एक लेन का और एक का वॉल्यूम है 200, तो इसमें क्रिटिकल कौन सा हो गया 350। ठीक है, तो ये लेंगे, तो दैट इज नोन एज जिसको बोलते हैं क्रिटिकल लेन वॉल्यूम। देखो यहाँ लिख रखा है मैक्सिमम ऑफ टू वे ट्रैफिक, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे अब। ठीक है, अभी इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, 45 को इसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देखना। क्या कह रहा है कि फाइंड द साइकिल टाइम, साइकिल टाइम निकालो टू फेज के लिए, टू फेज मतलब एन बराबर टू हो गया। ठीक है, टू फेज सिग्नल हैविंग स्टार्टअप लॉस्ट टाइम ऑफ 3 सेकेंड, और स्टार्टअप लॉस्ट टाइम क्या है, स्टार्टअप मतलब टी एस एल क्या है 3 सेकेंड, एंड हेड वे ऑफ 2.3 सेकेंड, और एच क्या है 2.3 सेकेंड। और ये देखो ये दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, फेज वन के लिए क्या दे रखा है कि ये इधर वाला ट्रैफिक 650 व्हीकल पर आवर है और इधर वाला 600 है, और ये भी गिवन है। ठीक है, ये जो पेन से बना रखा है ये गिवन कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो ये बाद में पता चला कि ये भी देना चाहिए था क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए क्रिटिकल टाइम, इसके लिए क्रिटिकल वॉल्यूम क्या हो गया 650 इसके लिए, और इसके लिए क्रिटिकल क्या हो गया 575। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उस वीडियो को पॉज करके फिर आप सॉल्यूशन देखना। ओके, ठीक है, कर लिए। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है देखो, ये n बराबर 2 दे रखा है, टी एस एल दे रखा है, एच दे रखा है। ठीक है, अपने को निकालना है टोटल साइकिल टाइम, तो टोटल साइकिल टाइम के लिए अपने को n दे रखा है, टी एस एल दे रखा है, अपने को क्या चाहिए वी सी डिवाइडेड एस है, सॉरी ये 2 नहीं है, ये एस है। ओके, ये एस है, नीचे 2 नहीं है। अपने को क्या निकालना है, वी सी और एस चाहिए अपने को, दो चीज़ें। तो एस निकालने का तो सिंपल चीज़ है, एस कैसे निकालेंगे 3600 डिवाइडेड बाई एच, तो 3600 क्या है, 3600 तो है, एच आपके पास है, इससे क्या आ जाएगा आपके पास एस आ गया। ठीक है,
अब आपने को आपको निकालना है वीसी, वीसी बाई एस निकालना है, सॉरी है ना, ठीक है, वीसी अपॉन एस निकालना है। तो वीसी देखो इसमें दो दो सिस्टम दे रखे थे उसके अंदर, ये देखो इसकी ये वीसी वन है, ये वीसी टू है। इसके लिए क्रिटिकल क्या था, इसके लिए क्रिटिकल 3650 था, इसके लिए 575 था। ओके देखो वीसी वन वीसी टू यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया। अब ये कैसे निकालोगे, सम ऑफ कैसे निकालोगे, तो ये मल्टीपल प्लस ये डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है, ये टोटल, ओके, क्रिटिकल डिवाइडेड बाई सेचुरेशन फ्लो। ओके तो यहाँ लिख रखा होगा, नहीं लिख रखा है, ठीक है, ऐसे निकालना है आपको अलग अलग का डिवाइडेड बाई टोटल। तो ये आ गया 0.78। जब इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो सिंपल है बिल्कुल, आपको इसमें हाईवे इंजीनियरिंग में तो आपको फॉर्मूले बिल्कुल उंगलियों पे याद रखने हैं। ओके एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं किसके ऊपर है ये, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको बता देता हूँ एक बार वापस से, आप खुद से देखना है इसको कैसे क्या करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है देखो इसको, द साइकिल लेंथ ऑफ एन इंटरसेक्शन ऑफ फेज वन एंड फेज टू 60 सेकेंड, ठीक है, साइकिल लेंथ दे रखी है पहले ही इसने 60 सेकेंड, टी का मान 60 इसने पहले ही दे रखा है, ठीक है। फाइंड ग्रीन टाइम अलोकेटेड टू फेज वन एंड फेज टू, मतलब कि जी आई फॉर वन एंड जी आई फॉर टू निकालना है, इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालना है इसके लिए एंड इसके लिए, और आपको ये दे रखा है टाइम लॉस्ट दे रखा है, एम्बर टाइम दे रखा है इसके लिए, और इसके लिए भी टाइम लॉस्ट एंड एम्बर टाइम दे रखा है। आप इसको खुद से देखो क्या करना है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है, फिर सोल्यूशन देखना आप क्या है, मैं सोल्यूशन बताता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना आप। देखो क्या है, एन वन उसने दे रखा है, एन टू उसने दे रखा है, ठीक है, तो टोटल साइकिल टाइम भी उसने दे रखा है, ये फेज वन उसने गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। तो अवेलेबल टाइम क्या हो गया, तो आपको पता है कि अवेलेबल टाइम क्या होता है, कि टोटल टाइम माइनस स्टार्टअप लॉस टाइम माइनस क्लियरेंस लॉस टाइम। तो देखो इसके लिए स्टार्टअप लॉस टाइम दे रखा है 2.5 सेकेंड, और इसके लिए दे रखा है 3.5 सेकेंड क्वेश्चन में, देखो देखो दे रखा है 2.5, देखो यहाँ दे रखा है और 3.5 ये दे रखा है, ठीक है। तो जो अवेलेबल था वो कितना आ गया, 54 सेकेंड आ गया अवेलेबल, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में है कितना, कि जी आई फर्स्ट फेज के लिए प्लस सेकंड फेज के लिए 54 सेकंड है अवेलेबल इफेक्टिव ग्रीन टाइम। ओके तो अब अलग अलग के लिए निकालो, इसके लिए अलग निकालो, इसके लिए अलग निकालो, तो कैसे निकालोगे कि इसका ग्रीन टाइम कितना दे रखा था इफेक्टिव ग्रीन टाइम डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 54। देखो एन वन इसके लिए कितना दे रखा था, 500 दे रखा था, ये देखो ये दे रखा ऊपर एन वन डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू मल्टीप्लाइड बाई 54। अलग अलग के लिए ग्रीन टाइम निकाल लोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के सिंपल है, इससे ये आ गया और इससे ये आ गया, दोनों से आप निकाल लोगे। अब अपने को निकालना क्या है, एक क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अलग अलग के लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, इफेक्टिव लेंथ, सो इफेक्टिव लेंथ में केवल लेंथ, ठीक है, यदि इफेक्टिव आ गई, इफेक्टिव ग्रीन टाइम आ गया, अब अपने को ग्रीन टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता है ग्रीन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रीन टाइम का फॉर्मूला होता है ये, सॉरी ये पता है आपको इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है, जी प्लस ए माइनस एल। अब अपने को क्या निकालना है, जी निकालना है, तो देखो जी को इधर रहने दो, इन दोनों को इधर भेज दो, तो क्या हो गया, जी बराबर जी आई माइनस ए प्लस एल, ठीक है। इसको मैनिपुलेट कर लो थोड़ा सा, ये तो इंटरचेंज कर लो, तो ये फॉर्मूला आ गया, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आप और आंसर आपके पास। ऐसे इस तरीके से भी आपको यही करना है यहाँ पर भी, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करोगे और आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी। फेज डायग्राम आप बनाए लोगे, सिंपल है, ये आप निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए, तो टोटल 60 में से माइनस करोगे तो बचा कुचा ये रह गया, ऐसे आप ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, 60 में से माइनस करोगे तो ये दे गया 60 में से, क्यों, क्योंकि 60 टोटल साइकिल टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, इसलिए, ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है और थोड़ा सा आपका माइंड यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा मैथ है, ठीक है, सिंपल है। अगला है डिज़ाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग, सिग्नल टाइमिंग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, रोड पर सिग्नल टाइम डिज़ाइन करते हैं, तो सिग्नल टाइम डिज़ाइन करने के चार मेथड है, पहला है ट्रायल साइकिल मेथड, दूसरा है अप्रोक्सीमेट मेथड, तीसरा है वेबस्टर मेथड, चौथा है आईआरसी मेथड। अपने कोर्स में और जो सिलेबस में है वो वेबस्टर मेथड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन में और आता ही है, इसको देख लो क्या कहना चाहता है, ये पढ़ेंगे हम डिटेल में, यही पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे सिलेबस में, अपने वेबस्टर मेथड ही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, कि दिस मेथड इज मोस्ट रैशनलाइज्ड मेथड फॉर इन
फॉर डिजाइन ऑफ सिग्नल टाइमिंग इन दिस मेथड साइकिल टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लॉस्ट टाइम फॉर ऑल फेजेस। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकालने का क्वेश्चन फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है सीधा, कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सीधा मैनिपुलेटेड फॉर्मूला है और आपको यही याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। ओके, क्या है इसका ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? सी नॉट इज इक्वल्स टू 1.5L प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई सेकेंड। एल क्या है यहाँ पर? एल है टोटल लॉस टाइम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेंज है कि क्या क्या होता है। टोटल लॉस टाइम इज इक्वल्स टू 2N प्लस R। 2N क्या है यहाँ पर? 2N है स्टार्टअप लॉस टाइम और R क्या है? क्लियरेंस लास्ट टाइम, क्लियरेंस लॉस टाइम। सारे रेड लाइट या फिर सारे पेडल स्टेयर की वजह से जो टाइम लॉस होता है दैट इज नोन एज R। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ फेज है। यहाँ पर बात आती है y की, y क्या है? y है यहाँ पर सम ऑफ रेशियो ऑफ नॉर्मल टू सेचुरेशन फ्लो, मतलब कोई भी नॉर्मल फ्लो। देखो ये रहा, देखो इस तरीके से। ठीक है, कोई भी y निकालना है अपने को। ठीक है, अगर देखो दो फेज है तो कैसे निकालोगे? वाई ए प्लस वाई बी। अगर चार फेज है तो कैसे निकालोगे? वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी प्लस वाई डी। अब जैसे वाई ए कैसे निकालो? वाई तो इनका सम है, लेकिन वाई ए कैसे निकालो? तो वो कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से, एन ए अपन एस ए, मतलब नॉर्मल फ्लो डिवाइडेड बाई सेचुरेशन फ्लो, ये होता है कैपिटल वाई। अभी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है। उसके बाद में एक आपको ये दो फॉर्मूले ये भी याद रखने हैं, इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालने का। ए के लिए निकालोगे कैसे? कर निकालोगे वाई ए डिवाइडेड बाई टोटल वाई सी नॉट माइनस एल। और बी के लिए निकालोगे तो बस यहाँ पर वाई भी आ जाएगा, क्योंकि बी है तो वाई भी, ए है तो वाई ए डिवाइडेड बाई टोट कैपिटल वाई सी नॉट प्लस एल। बाकी सिंपल है, ये ऊपर का चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बी के लिए तो बी और ए के लिए ए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पर, अभी क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। देखो 47, आप खुद से सोल्व करना। ओके, फिर वीडियो को पॉज कर लेना, फिर देख लेना क्या कह रहा है। देखो, द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड क्रॉस रोड ए एंड बी ड्यूरिंग डिजाइन पीरियड आर 400 एंड 250 पीसीयू पर आवर। नॉर्मल फ्लो दे रखा है ये। ठीक है, हाँ नॉर्मल फ्लो दे रखा है। ठीक, ए के लिए और बी के लिए। एन ए तो कितना दे रखा है? 400। और एन बी कितना दे रखा है? 250। ठीक है, द सेचुरेशन फ्लो वैल्यूज आर 1200। और सेचुरेशन एस, एस ए कितना दे रखा है सेचुरेशन फ्लो के लिए? 1250। और बी के लिए कितना दे रखा है? 1000 पीसीयू आवर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब लाइन से, जो ए के लिए बोलता है तो पहले ए के लिए। ठीक है, तो समझते हो आप। द ऑल रेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग इज 12 सेकेंड। टोटल रेड टाइम कितना है पेडेस्ट्रियल के लिए? 12 सेकेंड है। डिजाइन टू फेज ट्रैफिक, एन टू फेज ट्रैफिक के लिए बोल रहा है, तो एन का मान क्या हो गया? 2 हो गया। ट्रैफिक सिग्नल बाय वेबस्टर मेथड, देखो वेबस्टर मेथड, तो वो फॉर्मूला लगाना है सीधा। वेबस्टर मेथड के लिए बोल दिया, सीधा वो फॉर्मूला लगाना है। देखो वेबस्टर के लिए बोला तो सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। अपने को एल चाहिए, वाई चाहिए। ठीक है, तो देखो ये दे रखा है, दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। अब देखो एल निकालना है स्टार्टअप लॉस टाइम, तो क्या फॉर्मूला था? 2n प्लस एन, अभी ऊपर बताया था, ऊपर देखो। ठीक है, 2n प्लस एन, 2n का मान 2 है, प्लस ये दे रखा है आपको 12 पहले। ठीक है, इससे क्या आ गया? टोटल लास्ट टाइम आ गया, लास्ट टाइम। ठीक है, अब वाई ये चाहिए आपको, तो नॉर्मल फ्लो डिवाइडेड बाई सेचुरेशन फ्लो। नॉर्मल फ्लो 400 डिवाइडेड बाई 1250, ये आ गया। ऐसे वाई भी के लिए निकालोगे तो 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कितना आ गया? 0.25। ओके, तो कैपिटल वाई निकालोगे तो दोनों का सम कर दोगे। ठीक है, अभी बताया था मैंने, दोनों का सम करोगे तो ये चीज़ आ गई। तो फॉर्मूले पुट करोगे वैल्यू तो ये आ गया। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, देखो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही आपको दोनों फॉर्मूले बताए थे मैंने, इसमें वापस वैल्यू पुट करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ गई। सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं है, फॉर्मूले यूज करने हैं और थोड़ा सा माइंड यूज करना है। ठीक है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अ फिक्स्ड टाइम टू फेज ट्रैफिक सिग्नल इज टू बी डिजाइंड फॉर अ अर्बन इंटरसेक्शन यूजिंग वेबस्टर इज अप्रोच द इंटरसेक्शन इज हैविंग एन एस नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड्स वेयर एनी स्ट्रेट अही ट्रैफिक इज परमिटेड द डिजाइन आवर ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम वेरियस आर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन फ्लो आर गिवन। ठीक है, कुछ दे रहा, ये दे रखे इसमें वैल्यू। ठीक है, ये पर फेज के लिए दे रखिए, देखो डिले पर फेज के लिए दे रखिए, तो इसको मल्टी और टू फेज के लिए अपने को निकालना है। इसमें कहीं दे रखा है क्या? अपने टू फेजेस,
और देखो ये देखा है, टू फेज के लिए बोल रहा है तो एन का वैल्यू टू है, तो ये पर फेज के लिए देखो यहाँ पर फेज कर रहा है, तो इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक फेज के लिए दे रखा है ये। ओके देख लो क्वेश्चन को, सिंपल है, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है, देखो इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक के लिए पर फेज दे रखा था, वो दो फेज है, सेकेंड दो फेज है, तो 6 सेकेंड ये हो गया, 4 सेकेंड ये हो गया। सिंपल है, ये करना है एल प्लस एड बराबर 6 प्लस 2, दोनों का ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वाई एन एस इसके लिए क्रिटिकल टाइम क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1000/300, इसके लिए हो जाएगा 600/2400, 950/650। तो देखो इसके लिए जो मैक्सिमम आएगा वो लेंगे और इसके लिए जो मैक्सिमम आएगा वो लेंगे, क्रिटिकल लेंगे। ठीक है, देखो इसमें ये सही कर रखा है, देखो एन एस के लिए निकालेंगे 1000/3600 इसमें से, और इसमें से क्रिटिकल कौन सा है, ये क्रिटिकल है मैक्सिमम तो ये ले लेंगे, और ईस्ट वेस्ट के लिए निकालेंगे तो क्रिटिकल कौन सा है, ये वाला, तो ये ले लेंगे। ठीक है, जब दोनों का ऐड कर लेंगे, यहाँ पर दोनों का ऐड कर लेंगे, टोटल वाई आ गया। ठीक है, ये माना इसका ऐड करें, टोटल वाई आ गया, सीधा फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यू, ये फॉर्मूला मैंने बता रखा था, फॉर्मूला पुट करनी है, ये आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, देखो सिंपल है ना। अगला आता है ट्रैफिक साइंस, थर्ड पार्ट आता है, दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हमने, है ना, ट्रैफिक साइंस आता है, इंटरसेक्शन और सिग्नल्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लास्ट है, ये सिंपल है। ठीक है, ट्रैफिक साइंस कौन कौन से होते हैं, देखो तीन होते हैं, एक तो इन्फॉर्मेटरी साइन होता है, एक वार्निंग साइन होता है। ठीक है, ऐसे भी तीनों देख लेना, क्या प्रोहिबिटरी साइंस या फिर मैंडेटरी साइंस या फिर रेगुलेटरी साइंस, इनका आपको याद रखना है। इसका शेप हमेशा सर्कुलर होता है और कलर कैसा होता है कि बैकग्राउंड तो वाइट होता है इसका और बाउंड्रीज रेड होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रेगुलर साइंस में शेप तो सर्कुलर होता है और कलर कैसा, बैकग्राउंड वाइट एंड बाउंड्री रेड होती है, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन से, एक तो स्टॉप साइन वाला एक्सेप्शन है और एक है गिव वे वाला। इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल तो शेप है इसका और इसका इन्वर्टेड शेप है, इसका बैकग्राउंड रेड होता है और बाउंड्री वाइट होती है, बैकग्राउंड वाइट होता है इसका तो सही है। ठीक है, वाइट है, बाउंड्री रेड है, लेकिन इसका उल्टा है, लेकिन ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, सर्कुलर नहीं है, तो इसलिए ये दो एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने हैं। ये दोनों एक्सेप्शन हमेशा रेगुलेटरी साइंस में आते हैं, स्टॉप वाला और गिव वे वाला। ठीक है, बाकी तो देखो ये साइन किसके लिए है, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते आप इसके लिए है, ये स्पीड लिमिट के लिए साइन दे रखा है। ठीक है भाई, इतनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए। सेकंड आता है आपके पास वार्निंग साइंस, वार्निंग साइन कौन से होते हैं, वार्निंग साइंस मतलब किसी भी वार्निंग देने के लिए कि आगे ये है स्पीड ब्रेकर है, ऐसे वार्निंग साइन। रेगुलेटरी साइन मतलब रेगुलरली जो यूज होते हैं, स्पीड लिमिट आपको यही रखनी है, रेगुलरली साइन है। वार्निंग मतलब आगे पेडेस्टल क्रॉसिंग है, स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड में कर्व है वहाँ पर, तो ये से इसका वार्निंग का शेप कैसा होता है, ट्रेंगुलर होता है, देखो ट्रेंगुलर 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 है। ठीक है, दूसरा कलर कैसा होता है इसका, बैकग्राउंड वाइट होता है और बाउंड्री रेड होती है इसकी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये देखो पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग के लिए इस तरीके से देगा, एक आदमी दे देगा और चल रहा है, देखो इस पर अंदर दिखा रहा है, स्पीड ब्रेकर के लिए अंदर एक स्पीड ब्रेकर बना देगा, लेफ्ट हैंड पर कर्व है तो ये लेफ्ट हैंड में एक कर्व सा दे देगा। ठीक है, इस तरीके से बता रखा है। ऐसे लास्ट है एक इन्फॉर्मेटरी साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन कौन से होते हैं, इन्फॉर्मेटरी साइंस होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसका शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है हमेशा। इन्फॉर्मेटरी देख दे, ये लोकेशन बता रहा है कि आगे जाके इस साइड नोएडा है, आगे दिल्ली है, इस साइड एक्सपायर कोई भी है, या फिर आगे जाके हॉस्पिटल है, या फिर रेस्टोरेंट है आगे, या फिर कोई स्कूल है, तो इसमें एक रेक्टेंगुलर बना के ऐसे बच्चे खिलाने के लिए बोल देगा, ऐसे बैग लेके कि आगे स्कूल है। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेटरी साइंस में आ जाते हैं। इसमें इतना ही है, बाकी आप और थोड़ी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो किसी बुक से पढ़ लेना, लेकिन ये नॉर्मल इतने ही है। ठीक है, इस तरीके से समझ आ गया कि बेसिस क्या है, इसका बेस क्या है। ठीक है, आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी का आगे तीन चैप्टर कंप्लीट हो गए अपने। ठीक है, कौन कौन से, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया, और हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब अपने दो चैप्टर अगला पढ़ेंगे, पेमेंट डिज़ाइन, चौथा पेमेंट डिज़ाइन पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे पेमेंट रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, रोड्स के मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर वो पढ़ेंगे, तो अगला वो पढ़ेंगे हम, तीन हमने कंप्लीट कर लिया, अगला पढ़ेंगे पेमेंट डिज़ाइन। ठीक है, थैंक यू।